नमस्कार, मैं अरुण अरोड़ा चेंजिंग फ्यूचर से। जगदीश सिंह कोहला की अगुवाई में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रतिनिधिमंडल बाबा इकबाल सिंह की अंतिम अरदास एवं श्रद्धांजलि समागम में शामिल हुआ। हरमीत सिंह कालका द्वारा शोक संदेश भी सौंपा गया। बाबा जी द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत आज बच्चे देश विदेश में उच्च पदों पर विराजमान हुए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव जगदीश सिंह आहलोन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल बारू साहिब वाले बाबा इकबाल सिंह की अंतिम अरदास व श्रद्धांजलि समागम में शामिल हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में सरदार कहलो के अलावा सरबजीत सिंह विरक सदस्य कार्यकारिणी, इंद्रजीत सिंह मोटी तथा गुरमीत सिंह टिंकू भी शामिल थे। इस समागम में सरदार कोहला ने बाबा इकबाल सिंह जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाबा जी द्वारा चलाए जा रहे 129 स्कूल, 2 विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चे देश विदेश में उच्च पदों पर विराजमान हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी बात यह है कि बाबा जी द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी गई। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया, बल्कि गुरुद्वारा साहिबान के साथ साथ मंदिर एवं मस्जिदों में भी के लिए सेवा कराई। उनके द्वारा मानवता के लिए किए गए कार्यों को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। सरदार कालो ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि बाबा इकबाल सिंह जी के बाद अब सेवा संभालने वाले डॉक्टर द्विंदर सिंह की सरप्रस्ती में बाबा जी द्वारा 500 स्कूल तथा 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य पूरा होगा और समूचा काज अच्छे से पूर्ण होगा। इस श्रद्धांजलि समागम कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका द्वारा शोक संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। सरदार कालो ने बताया कि बारू साहिब ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब परिसर में भाई लक्खी शाह वन जारा हॉल में समागम किया जाता है और इस बार यह समागम 12 व 13 फरवरी को होगा, जो कि बाबा इकबाल सिंह को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस समागम के लिए पूरा सहयोग देगी।